हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल नो अबाउट रेशनल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। हियर इज द डिफिनेशन गिवेन। डिफिनेशन है कि द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और क्यू जीरो के बराबर नहीं हो तो ऐसी संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं 7/5, 2/3, 8/7, 11/13, 5/6, ये सब जो नंबर है ये सब पी वाई क्यू का फॉर्म है। ठीक है, पी का वैल्यू यहाँ पे 5 हुआ, क्यू का वैल्यू 6 हो गया, तो ये सब रेशनल नंबर का एग्जांपल है। इसी फॉर्म में पी वाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर होता है। अब इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फ्रैक्शन जितना है सारे फ्रैक्शन को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो जो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर हम लिख देते हैं वो रेशनल नंबर का भी पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब कुछ और यहाँ पर देख लेते हैं कि और एक बात और समझ लेते हैं कि P एंड Q जो है कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि Q नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। Q अगर जीरो होगा तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं होगा, यानी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। एक और यहाँ पे जितना भी काउंटिंग नंबर होता है वो सारा रेशनल नंबर का पार्ट होता है। काउंटिंग नंबर से ही ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर सारा निकलता है, वो सब रेशनल नंबर हो जाएगा। अब 2 है, 2 को भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, 3 को भी कह सकते हैं, 4 को भी कह सकते हैं, 5 को भी रेशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन अभी अभी आपने यहाँ पे देखा कि जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है उसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन 2 और 3, 4, 5 ये सब तो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, तो फिर ये रेशनल नंबर कैसे हो सकता है? तो इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, 1 नीचे हाइड रहता है, ठीक है, लिखा हुआ नहीं रहता है। अभी ये पी वाई क्यू का फॉर्म हो गया, तो 2 को 2/1 रेशनल नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे एक्चुअल में 2 लिखा जाता है, 1 नीचे करके नहीं लिखा जाता। उसी तरह से 3 को हम 3/1 लिख देने के बाद ये पी वाई क्यू का फॉर्म में हो जाएगा। 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। 5 को लिख सकते हैं 5/1, तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब रेशनल नंबर का फॉर्म हो गया। अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पे 7/0 दिया हुआ है, तो 7/0 ये नॉन डिफाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू का वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 आ गया। डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू नॉन डिफाइन होता है, इसको अपरिभाषित माना जाता है। बट 0/7 लिख देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में 0 चला जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये 0/7 रेशनल नंबर होगा, बट 7/0 ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि ये जो रेशनल नंबर जो होता है इसको हम दो तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। या तो टर्मिनेटिंग डिसिमल, शांत दशमलव में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग डिसिमल में शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल का मतलब होता है अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, अब एक एक करके दोनों को जानते हैं, समझते हैं ये टर्मिनेटिंग डिसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग डिसिमल जैसा कि अभी हिंदी में बता दिया कि शांत दशमलव होता है, तो ये क्या होता है? तो जब किसी भी रेशनल नंबर को हम डिसिमल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो आफ्टर डिसिमल देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ एनी डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स अगेन एंड अगेन। मतलब डिसिमल के बाद कोई भी डिजिट या डिजिट का ग्रुप जो है उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे डिसिमल फॉर्म को हम टर्मिनेटिंग डिसिमल में कहते हैं, यानी शांत दशमलव में कहते हैं। किसी भी रेशनल नंबर को, फ्रैक्शन को, जब हम उसको डिसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो डिसिमल के बाद अगर कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं हो तो वो शांत माना जाता है, यानी कि टर्मिनेटिंग डिसिमल में माना जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, 7/2 है, तो इसको डिसिमल में कन्वर्ट 3.5, तो 0.5 के बाद ये क्या हुआ, शांत हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया। ठीक है, इसका 5 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है और इसके बाद कोई और डिजिट भी नहीं आ रहा है जिसका रिपीटेशन हो,
उसी तरह से 8/5 को कन्वर्ट करने का 1.6 है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। 781/5 है, इसको जब कन्वर्ट किए तो 156.2 आया। तो ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो टर्मिनेट करता है यानी शांत रहता है, उसका रिपीटेशन नहीं होता है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। एक दूसरे तरह का एक फ्रैक्शन, अच्छा एक बात और है यहाँ नोट में कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को बिना डिवाइड किए हुए डिवीजन मेथड से हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं। कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है और उसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड से उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कहेगा, तो उसके डिनोमिनेटर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आता, या तो 2 आएगा या 5 आना चाहिए, या 2 या 5 दोनों आ जाए, ये 2 और 5 को छोड़कर कोई दूसरा अगर नहीं आता है प्राइम फैक्टर, तो वैसे रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का करके 2 और 5 उसका प्राइम फैक्टर होगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये इसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना भाग दिए हुए। अब नेक्स्ट है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो जस्ट इसी का रिवर्स हो जाएगा कि आफ्टर डेसिमल देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ अ डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स। अब इसमें डेसिमल के बाद कोई डिजिट का या ग्रुप ऑफ डिजिट्स का रिपीटेशन होगा, पुनरावृत्ति होगा, वो बार बार कोई डिजिट जो है आता रहेगा या ग्रुप ऑफ डिजिट आता रहेगा, तो ऐसे डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग को यहाँ पे रेकरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसको अगर बिना भाग दिए हुए पहचानना है तो वही बात ऊपर वाला जो 2 और 5 के फॉर्म में डिनोमिनेटर को नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो 2 और 5 वही डिनोमिनेटर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, मतलब 2 के पावर या 5 के पावर में जब नहीं लिखा जा सकता है, 2 और 5 के अलावा कोई और तीसरा प्राइम फैक्टर अगर आ जाएगा, 3 आ जाए 7 आ जाए इस तरह से, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में आ जाएगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद वो रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देख लीजिए 11/3 है, तो इसको जब हम 3 से 11 में डिवाइड किए तो डेसिमल में 3.666 ये आ रहा है, मतलब इसका 6 का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसी को कहेंगे। अच्छा, इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, जिस भी डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स का रिपीटेशन होता है उस डिजिट पर ऊपर हम ये बार लगा देते हैं। ठीक है, ये रेकरिंग भी इसको कहते हैं। अब इधर है 15/7, तो 15/7 को जब हम कन्वर्ट किए डेसिमल में 7 से डिवाइड करके 2.142857 आया। अब 7 के बाद जो अब नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, फिर 1 से रिपीट हो रहा है, 7 के बाद फिर 1 आएगा 4, 2, 8, 5, 7, फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट का यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, तो ये 6 के 6 डिजिट पर यहाँ पे हम बार लगा देंगे, मतलब इसका बार बार रिपीटेशन होता रहेगा। तो जब डेसिमल के बाद किसी भी डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स का रिपीटेशन होता है तो वैसे डेसिमल फॉर्म को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग रेशनल नंबर के बारे में समझ गए कि रेशनल नंबर जो होता है पी एंड क्यू का फॉर्म होता है, जहाँ पे क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पी और क्यू कोई इंटीजर्स होता है, और रेशनल नंबर्स को या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस किया जा सकता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है डेसिमल के बाद किसी भी डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं होता है, वहीं पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो होता है इसमें डेसिमल के बाद किसी भी डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट का रिपीटेशन होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये रेशनल नंबर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।